सरजू राय जी आज यहाँ पाकुड़ पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे हम राज्य की कुछ हालात, राज्य सरकार की कुछ कामकाज के बारे में उनसे बात करते हैं। स्वागत है सर। राज्य सरकार की कामकाज को वर्तमान में राज्य सरकार की कामकाज को कैसे? बड़ी संक्षेप में हम लोग कहेंगे, ये राज्य सरकार अच्छा काम करा नहीं सकती है और गलत काम होने से रोक नहीं सकती। ये आज स्थिति सरकार की है और मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार पर विपक्ष का कोई दबाव है। सरकार भी जानती है विपक्ष की क्या सीमा है और मेरे हिसाब से तो दोनों ही एक दूसरे की पीठ मौका पर मौका सहलाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सीमा से आगे नहीं जाना चाहती है क्योंकि हेमंत सोरेन के समय कामकाज की यदि जांच कोई करता है तो इसकी जड़ रघुवर दास जी की सरकार में मिलेगी। ईडी ने अपने 3-4 सीट में, यहाँ पत्थरवाल में, पूजा सिंघल के मामले में, शराब के मामले में, तीनों ने ऑन रिकॉर्ड लिखा है ये सारी घटनाएँ, सारे काम 2015-16 से चल रहे हैं। पत्थरवाले में तो रघुवर दास जी की सरकार में 4 गुना ज़्यादा पत्थर का अवैध व्यापार हुआ है हेमंत सोरेन के 2 साल में। वैसे ये विचित्र स्थिति हो गई है कि भ्रष्टाचार के मामले में एक दूसरे के बीच सालाने या काम नहीं कर रहे हैं और राजनीति के इससे नुकसान हो रहा है। और मैं तो यहाँ सुबह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पाकुड़ इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ का हमला उठा रहे हैं, यहाँ का डेमोग्राफी बदलने की बात उठा रहे हैं, मुसलमान आदिवासी परिवारों में लड़कियों में शादी कर रहे हैं, इसकी बात उठा रहे हैं, इसकी असलियत क्या है, जो भी बैठे सबसे बड़े चर्चा की। तो प्रदेश भर में या अखबारों में स्थिति कुछ और है, जमीनी स्तर की हकीकत कुछ और है। ये सभी मुद्दों पर सच्चाई है और क्यों हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकुड़ जिले में क्यों ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिन गांवों में हिंदू अल्पमत में हैं उन गांवों में मोदी जी के सरकार की ही जो गांव का लाभ हिंदुओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका तो कहीं कोई खाका नहीं तैयार किया है। जब रघुवर दास जी की सरकार तब भी मोदी जी की सरकार की जो योजनाएँ आती थी वो जिले में जो सिस्टम है उसके हिसाब से जाती है, मुखिया कह जाएंगे सरकारी चीज़ें वीडियो के थ्रू जाएंगे तो वहाँ जो बहुमत में है उसको लाभ मिल जाता है और योजना के लाभों में जो हिंदू हैं उनका नाम ही लोग आने ही नहीं देते हैं। तब उन योजनाओं की समीक्षा करेंगे। शादी अगर कोई मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम आदिवासी परिवार में कर देता है तो उसका कारण क्या है और जिस समाज में हो रहा है उस समाज से आवाज़ उठे, उठाने की कोशिश की जाए, ये बात नहीं होती है। तो मुझे यही लगा कि सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नारा की तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, निष्ठा नहीं है इसके भीतर में कि हम यहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं होते जा रहे हैं उनकी थोड़ी हम सहायता करें। यहाँ के गाँव में लोग बता रहे हैं चले जाइए, मुस्लिम के जो इलाके हैं वहाँ सारे काम गाँव में हुए हैं, हिंदू के इलाके में वैसे ही नाली है, न पानी है, न सब चीज़ें हैं, तो हमको देखना ही चाहिए। और सरकारी हस्तक्षेप में किस तरह से यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं इसकी रक्षा करें, ये नहीं हो पा रहा है। केवल अखबार में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पूरे राज्य भर के हिंदुओं में संदेश हम दे रहे हैं कि पाकुड़ में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, आदिवासी घर में मुसलमान शादी कर रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, मगर इस जिले में, उस इलाके में कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मतलब है इसका? ये चुनावी नारा होकर जा रहा है। इसलिए आज इस मामले में ज़रूरत है कि सही तरीके से योजनाओं के आधार पर काम हो। अगर केंद्र सरकार योजनाएँ भेजती है तो एक एक गांव की आबादी, एक एक घर का हिसाब ले, किस घर में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है इसका हिसाब ले, विशेष जिले का दर्जा पाकुड़ को दे, ये तो नहीं हो रहा है। जैसे सब जगह चल रही योजनाएँ वैसे यहाँ भी चल रही है, जो बहुसंख्यक है अपना हिस्सा मान ले जा रहा है, अल्पसंख्यक को नहीं दे रहा है। तो मैंने यही महसूस किया है और सुबह से मैं बात कर रहा हूँ, अभी लोग आएंगे उनसे बात करूँगा।
तो ये जो विपक्ष है ना, इन लोगों को जो सतही मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, उनको भी सतही तौर पर उठा रहे हैं, गंभीरता के साथ नहीं उठा रहे हैं। और उनकी जो मांग है वो मांग मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, इसका ध्यान दिए बिना जो उठाए जा रहे हैं। आप मनवाने की तो कोशिश करिए, 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कोई आरोप पत्र दिया है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लोग इन बातों को बोलते हैं, उसको ही उठाकर आप बड़ी पार्टी हैं, बड़े दल हैं, आवाज उठाते हैं, ये हो नहीं रहा है। इसलिए पक्ष और विपक्ष, ये दोनों के बीच में नूरा कुश्ती इसको कहा जाता है, वो हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई एक तीसरा मोर्चा बने, जिसमें ये जरूरी नहीं कि वो मोर्चा सरकार बना ले, अगर उसमें सही सोच वाले आधा दर्जन एक दर्जन विधायक भी आ जाए, भविष्य में जो है कि सरकार बनने वाली है, विधानसभा बनने वाली है, उसको वो प्रभावित कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की स्थिति में है। जब पप्पू साहब ने लगातार अवैध खनन, अवैध बनने की मामला में सब उठा, कोई सरकार के ओर से ठोस से कोई कार्रवाई नहीं होता क्या? आप देखिए, जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार की कोई रुचि इसमें नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी थे, उनके विधायक प्रतिनिधि इसमें मुख्य अभियुक्त थे, उनको तो हटाया भी नहीं होना आज तक, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मगर जो विपक्ष है, वह विपक्ष भी केवल ईडी के भरोसे है, और ईडी ने जो चार्जशीट दिया है उसने इनका मुंह बंद कर दिया है। लिखा है कि 2015-16 से यह अवैध खनन हो रहा है, अवैध ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, रेलवे से हो या रोड से हो, तो उस मुद्दे को भी ये लोग लपक नहीं पा रहे हैं। अपने कुछ कुछ लोग हैं उनके लिए विपक्ष लड़ाई होता है, समर्थन लड़ाई नहीं होता है। ये समझ कर पार्टों में साहिबगंज में जिस तरह से जितने प्रकार के अवैध खनन हो रहे हैं, उसको हम रोकने के लिए कहीं जमीनी स्तर पर कार्रवाई करें, इससे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर पता नहीं क्यों पक्ष और विपक्ष परस्पर सहमति से चल रहा है, इसी कारण यहाँ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ईडी का क्षेत्र सीमित है, ईडी ने कार्रवाई किया, चार्जशीट दे दिया, जाँच एजेंसी है वो चली गई, मगर उसके बाद भी तो सारे काम अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, तो कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है। तो जो शासन प्रशासन का तंत्र है वह इसको नहीं रोकेगा, वैसे ही चलते रहेगा। कल आप कर रहे थे, आज हम कर रहे हैं, कल फिर आप करिएगा, हम नहीं रहेंगे। तो यही मुझे लगता है कि ये जो कार्य संस्कृति हो गई है शासन प्रशासन की और सरकार की, वह कार्य संस्कृति ही इसको बढ़ावा दे रही है। सरकार किसी की भी हो, जिले में प्रशासक कोई भी आ जाए, इस काम को चलते रहना है। तो हम लोग एक तरह से जो गलत काम है उनका सुपरविजन कर रहे हैं, उसको रोकने की बात शासन प्रशासन का सरकार या विपक्ष नहीं कर रहा। आने वाले सर विधानसभा चुनाव में सर क्या चुनाव लड़ेंगे? मैं तो लड़ने की तैयारी हमारी में तो निर्दलीय हूँ, पार्टी बनी है उस पार्टी के साथ में संरक्षक के रूप में, तो अपने हाथ में चुनाव को लड़ना ही लड़ना है। हम लोगों ने 30 सीटों का चयन किया है, 30 सीट पर उनसे लड़ना है। इधर 2 दिन पहले मेरी भेंट पटना में थी, सुनवाई से हुई, उनसे बातचीत में सहमति बनी है कि जनता दल यू और हम लोग मिलकर साथ साथ चुनाव लड़े। और इस बात को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते हैं तो एक सशक्त विकल्प हो सकता है यहाँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ NDA के रूप में केवल बिहार में, झारखंड में 2009 तक था, 2009 के बाद से नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति गंभीर है। तो ये होगा तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे, और भी कोई आना चाहे अभी मैं कल जाऊँगा हजारीबाग से, शिवसेना जी से बात करूँगी, आए हुए फोन किया, वो चर्चा होगी किस तरह से हम लोग एक सशक्त तीसरा मोर्चा बना सकते हैं इस राज्य में।
इस उठाने की भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति गंभीर है। तो ये होगा तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे, और भी कोई आना चाहे तभी मैं कर जाऊँगा हजारीबाग के शिवसेना जी से बात करनी, तो आए हुए हैं उन्होंने फोन किया, वो चर्चा होगी किस तरह से हम लोग एक सशक्त किसान मोर्चा बना सकते हैं इस राज्य में। इस उद्देश्य से नहीं कि हम सरकार बना लेंगे, इस उद्देश्य से कि जो भी सरकार बनेगी हम उस पर हस्तक्षेप करके उस पर रख सकते हैं काम करेंगे। सुना आपने सरजू राय सर को, उन्होंने कहा कि झारखंड की वर्तमान जो सरकार है, जो यहाँ की सरकार जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, मुद्दे तो उठाते हैं लेकिन उस मुद्दे पे वो पूरी तरह से वो नहीं रख पाते हैं, जिससे उनके मुद्दे नारे और नारे तक ही रह जाते हैं। आज सरजू राय सर यहाँ पे अपूर्व में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे, उनसे बातचीत हुई, आप उससे समाचार प्रस्तुत करते हैं।